दोस्तों ईपीएफओ ने अपने मेंबर्स को ये ऑनलाइन सुविधा दी है कि अगर उनके पीएफ अकाउंट में अपडेटेड उनके नाम में कोई गड़बड़ है तो उसको ठीक कराने के लिए उनको ईपीएफओ के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो घर बैठे ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में अपडेटेड गलत नाम को ठीक करा सकते हैं। अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपका नाम गलत अपडेट हो गया है और वो आपकी केवाईसी यानी कि आपके आधार या पैन से मैच नहीं होता है तो आपको अपना पीएफ का पैसा निकालने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पीएफ का पैसा निकालने से पहले आपको ये चेक जरूर कर लेना चाहिए कि आपका नाम आपके पीएफ अकाउंट में और आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स में बिल्कुल मैच होना चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पीएफ अकाउंट में नेम करेक्शन की पूरी प्रोसेस के बारे में कि ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट में अपने नाम को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसके लिए हमें क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि ईपीएफ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना है और टाइप करना है ईपीएफओ और सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे जो सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई देगा वो इस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का यानी www.epfindia.gov.in का, उस पे आपको क्लिक करना है और ईपीएफओ की वेबसाइट को ओपन करना है। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराऊंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर भी पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन यहां पे दिखाई देगी यानी कि ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें आपको सेलेक्ट करना है फॉर एम्प्लॉइज। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी कुछ इस तरह से होगी, आपको जाना है सर्विसेज पर और उसमें सेकंड ऑप्शन को आपको चूज करना है और क्लिक करना है मेंबर यूएन ऑब्लिक ऑनलाइन सर्विसेज पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको जो नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है अपने ईपीएफ अकाउंट में, यानी आपको यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चा कोड डालना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको जाना है मैनेज पर और क्लिक करना है बेसिक डिटेल्स पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ आप देखेंगे को दो कॉलम यहाँ पे दिए गए हैं, अवेलेबल डिटेल्स और चेंज रिक्वेस्टेड। यहाँ अवेलेबल डिटेल्स यानी कि जो आपके पीएफ अकाउंट में ऑलरेडी डिटेल्स अपडेटेड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सामने देखेंगे चेंजेस रिक्वेस्टेड यानी कि जो चेंजेस आपको रिक्वेस्ट करने हैं वो यहाँ पर आपको डालने हैं। जैसे कि अगर आपको अपना नाम चेंज कराना है तो यहाँ पर आपको अपना करेक्टेड नेम एंटर करना है जो आपका करेक्ट नेम है, और अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है तो यहाँ पर आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको अगर आपका जेंडर चेंज करना है तो यहाँ पर वो भी आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको अपने एम्प्लॉयर को सेलेक्ट करना है। नीचे यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और अपना कॉन्सेंट देना है अपने आधार कार्ड की डिटेल्स को यूज करने के लिए। उसके बाद आपको नीचे अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे दोबारा आपकी डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ आपको दोबारा से अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है यानी कि जो चेंजेस आप कराना चाहते हैं वो आपने सही सही यहाँ पर फिलअप किए हैं या नहीं किए हैं। चेक करने के बाद आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। ऑनलाइन रिक्वेस्ट करने के बाद आपका जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूवल के लिए आपके एम्प्लॉयर के पास भेज दिया जाएगा। उसके बाद एम्प्लॉयर डिजिटली अप्रूव करके उसे ईपीएफओ फील्ड ऑफिसर के पास भेज देगा। उसके बाद ईपीएफओ रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर डिटेल को चेक करके उसको अप्रूव करेगा और आपके नाम को बदल देगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन केवल आप अपनी बेसिक डिटेल्स को ही चेंज करा सकते हैं जिसमें कि आप अपने नाम को, डेट ऑफ बर्थ को और अपनी जेंडर को चेंज करा सकते हैं, उसको आप अपडेट करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद, अगली वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।